नमस्कार मित्रों, आइए देखते हैं आज जो है जो टॉपिक लाए हैं आपको एसएससी जीडी पुलिस रेलवे। अक्सर ये क्वेश्चन मैथ के आपके एग्जाम में पूछे ही जाते हैं। पहला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। पहला क्वेश्चन है 263 की पावर जो है 145 है प्लस 263 की पावर आपका लिखा है 150 प्लस 533 की पावर जो है 51 में कह रहा है इकाई अंक क्या हो। इकाई अंक के लिए इसमें 4 से भाग लगाएंगे, जो शेष बचेगा उसी से मतलब रहेगा। तो 4 से भाग लगाएंगे तो 1 शेष बचेगा 3 पे 1 पावर। इसमें 4 से जब भाग लगाएंगे 2 शेष बचेगा 3 पे 2 पावर। फिर 4 से जब इस पावर में भाग लगाएंगे तो 3 शेष बचेगा 3 के 3 पावर। तो आप कह सकते हैं 3 का पावर 1 तो 1 3 हो जाएगा, 3 के पावर 2 तो 9 हो जाएगा, 3 के पावर 3 आप समझ सकते हैं 27 होगा। 27 9 36 और 36 में 3 जोड़ेंगे 39 होगा। इकाई अंक पूछ रहा है, इकाई अंक का मान कितना होगा? 9 होगा, जो ऑप्शन दूसरा से। इसी प्रकार आते हैं अगले नंबर क्वेश्चन पे। अगला नंबर क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। अगला नंबर क्वेश्चन है वह बड़ी से बड़ी संख्या जिससे 52, 68 और 116 को भाग देने पर प्रत्येक मामले में समान शेष बचता है। यहां देखते हैं ये 52 है, 68 है और आपका 116 है। यह कौन सी संख्या इसमें ढूंढना है कि भाग देने पर समान शेष छोड़ता है? तो समान शेष इसका मतलब समान अंतर कितना होगा। तो 68 में से अगर हम 52 घटा देंगे तो आप कहेंगे कि 16। इसी प्रकार अगर 116 में से 68 हम घटा देंगे तो कहेंगे 16 में से 8 जाएगा तो 8 होगा, 10 में से अगर 6 निकालेंगे तो 4। आइए आपका फैसला कर लिया। इन दोनों का अगर एचसीएफ देखा जाए तो एचसीएफ ही इसका आंसर होगा। तो 16 और 48 का एचसीएफ कितना हो जाएगा? तो 16 हो जाएगा। 16 ही एकमात्र ऐसा नंबर है कि इन तीनों में अगर भाग दिया जाए तो समान शेष बचेगा। इसका तीसरा करेक्ट आंसर सही है। आते हैं अगले नंबर क्वेश्चन पे। अगले नंबर क्वेश्चन भी आपको दिखाई दे रहा होगा। अगला नंबर क्वेश्चन जो है कि रैंकिंग से है, जो ऊपर बार लगाकर छोड़ देता है, आपसे ऑप्शन पूछता है कि कौन सा ऑप्शन सही। अगला नंबर क्वेश्चन है 0.3567, इस 67 पे बार है, प्लस 0.1233 इस पे बार लगा कर दिया है, का मान क्या है? तो इसमें देखें कि जब मान पूछा है क्या है, इसका मतलब कि ये 0.3567 इस पे बार है तो 6767 इस तरह से इसका अर्थ होता है। इसी प्रकार इसका देखेंगे तो 0.1233 इसका मतलब 33 इसका कोई अंत नहीं, बार का मतलब ये बार बार संख्या आता रहता है। तो इसमें हम क्या करेंगे, इन दोनों को प्लस कर देंगे। तो यहाँ 7 3 10 को 0, 6 3 9 1 10 को 0, फिर 7 और 3 10 1 कितना होगा, 11 हो जाएगा, फिर 6 और 3 9 1 10 हो जाएगा, फिर यहाँ देखेंगे 7 5 और 2 7 हो जाएगा, 7 1 कैरी कितना 8 हो जाएगा, अब 3 और 1 4 हो जाएगा, तो 0 पॉइंट इतना हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं 2 डिजिट पे यहाँ बार दिखाई दे रहा है, तो इसका करेक्ट आंसर 4801 पे बार होगा, जो दूसरा ऑप्शन इसका सही है। आते हैं तीसरे नंबर, अगले नंबर क्वेश्चन चौथे नंबर पे जो दिया है कि 142 का स्क्वायर माइनस 1 संख्या किससे विभाज्य है, संख्या किससे विभाज्य है? तो देखते हैं 142 का स्क्वायर माइनस 1 कह रहा है ये संख्या किससे विभाज्य है। तो
आखिर इसमें अगर सम डिजिट देख लेते हैं तो हम इसका भी पावर अगर हम सम लगा दें तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो एक में आप जानते ही वर्गांतर का नियम कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, तो आप जानते हैं एक में ए प्लस बी और एक में ए माइनस बी। तो हमेशा जो है ए प्लस बी का मतलब 142 में एक जोड़ देंगे तो 143 होगा, एक जो इसका गुणनखंड बनेगा तो दूसरा 142 में से एक कम कर देंगे तो 143 बनेगा। अब यहाँ से देखते हैं तो ऑप्शन में 7 दिया है, 9 दिया है, 13 दिया है और 19 दिया है। यहाँ 141 तो इसी प्रकार अभाज्य नंबर है, वो कट नहीं सकता। अब 143 को देखेंगे तो ना ये 7 से कटेगा ना 9 से कट पाएगा, ये 13 कम 13 एक बचेगा 13, इसका मतलब 13 से कट गया, तो इसलिए यह संख्या जो होगी 13 से विभाज्य होगी, जो कि ऑप्शन नंबर तीसरा बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन भी आपको दिखाई दे रहा है। दो संख्याओं का अनुपात 8 संबंधित 13 है, उनके वर्गों का योगफल 2097 है, तो दोनों संख्याओं का योग ज्ञात करें। इसमें कह रहा है दो संख्याएं हैं और इसका अनुपात दिया है 8 संबंधित 13 और इनके वर्गों का योग दिया है, तो मान लीजिए संख्या ये 8x और ये 13x है और इनके वर्गों का योग दिया है तो इनका वर्गों का योग कर देंगे और ये दिया है आपका 2097। कितना दिया है? 2097 दिया है। अगर ऑप्शन ऐसे क्वेश्चन देखते हैं, अगर ऑप्शन देखकर लगाना चाहते हैं तो ऑप्शन में लिखा गया है 63, ये 64, आइए है 60, आइए है 65। ऑप्शन अगर देखते ही इस क्वेश्चन को मारना चाहते हैं तो आपका टाइगेंटी ये कहता है 8 और 13 21 होगा, 21 या 63 जो पहला ऑप्शन सही। आइए इसको क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं कि आखिर लगाएंगे कैसे। तो यहाँ देख लेंगे कि दिखाई क्या दे रहा है, तो 8 का स्क्वायर 64x² होगा, यहाँ 13x का स्क्वायर 169x² हो जाएगा, आईसी का वैल्यू कितना है 2097 है। इन दोनों को अगर हम प्लस करते हैं 9 और 4 13 होगा, 6 6 12 एक 13 होगा और फिर एक जो है एक पहले जोड़ देंगे 233 x² बराबर 2097 हो जाएगा। अगर ये वर्ग दिखाई दे रहा है तो हम ऐसे भाग करें इसको कि ये भी कोई संख्या का वर्ग बने, तो ये 200 है, ये 20 है, 2 का 10 गुना होगा, इसका मतलब 9 गुना अगर कर दिया जाए इसका तो बिल्कुल करेक्ट, 9 3 27 9 3 27 34 9 2 18 2 20 हो गया, इसका मतलब 9 टाइम्स है आइए देखते हैं। तो यहाँ देखेंगे x स्क्वायर की वैल्यू यहाँ 3 का स्क्वायर, तो इसलिए x की वैल्यू 3 हो जाएगा। जब x की वैल्यू 3 हो जाएगा तो संख्याओं का योग पूछ रहा है, तो 8 और 13 कितना होगा 21 होगा, 21x होगा, x की वैल्यू कितना आ गया 3, 21 में अगर 3 का गुणा कर देंगे तो इसका करेक्ट आंसर कितना होगा पहला जो 63 सही। आते हैं अगले नंबर क्वेश्चन पे चर्चा करते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है, यदि n एक पूर्णांक है तो n क्यूब माइनस n किससे विभाजित है। n एक पूर्णांक है, कह रहा है n क्यूब माइनस n ये किससे विभाजित होगा संख्या, तो आपका ऑप्शन में दिया है 4 5 6 7, ये ऑप्शन दिया है। आखिर हम n की वैल्यू अगर 1 रखेंगे तो ये 1 माइनस 1 ये तो हो जाएगा 0, तो इसका मतलब 1 के सिवाय कोई दूसरा नंबर लेकर हम चेक करें। अगर 2 रखते हैं तो 2 का क्यूब कितना 8 में से 2 कम करेंगे 6 आएगा, 3 रखते हैं 3 का क्यूब 27 में से अगर 3 कम कर देंगे 24 आएगा, फिर ये अगर 4 रखते हैं तो 64 में से 4 कम कर देंगे 60 होगा,
अगर पांच रखते हैं तो पांच का क्यूब 125 में से पांच कम कर देंगे 120 आएगा। इसी प्रकार छह रखेंगे तो छह का इस क्यूब जो होगा 216 में से अगर छह कम कर देंगे तो 210 आएगा। ये कौन सा नंबर है कि सब में ये भाग चला जाए वही नंबर हो सकता है, न चार का सब में भाग जाएगा न पांच का जाएगा, यहाँ तक कि ये छह ऐसा नंबर है कि सभी में भाग जाने वाला नंबर है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर कितना होगा? छह होगा। आइए देखते हैं अगले नंबर क्वेश्चन, अगले नंबर क्वेश्चन पे चर्चा करते हैं। तो अगला नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है इकाई से है, इकाई से है ये 277 की पावर कितना है? 45 है, प्लस नहीं है, यहाँ मल्टीप्लाई कर। ये जो है 268 का पावर जो दिया है 49 है, में इकाई का अंक क्या हो? कभी भी आपका इकाई का अंक पूछ ले तो चार से भाग करिए, जो शेष बचेगा उसी से, मतलब तो इसमें चार से भाग देंगे तो एक शेष बचेगा, तो एक साथ को अकेला ले लीजिएगा और फिर मल्टीप्लाई, इसमें अगर चार का भाग देंगे तो इसमें भी क्या बचेगा? एक शेष बचेगा, तो आठ को अकेला ले लीजिएगा। इकाई का मतलब लास्ट डिजिट, आठ साथ कितना होगा? 56। इसमें इकाई पूछ रहा है कि इकाई का नंबर कितना आएगा? 6, जो चौथा विकल्प आपका सही है। आते हैं अगले नंबर क्वेश्चन, अगले नंबर क्वेश्चन, अगला नंबर क्वेश्चन है दो संख्याओं का योग 28 और उनका अंतर 12 है। यदि बड़ी संख्या के चार गुने को छोटी संख्या से भाग दिया जाए तो भागफल कितना होगा? इसमें कह रहा है दो संख्याएं हैं, माना पहली संख्या x और दूसरी संख्या y, इन दोनों को प्लस कर देने पे बनता है 28 और उनका अंतर, इसका मतलब x माइनस वाई का अंतर कितना दिया है? 12 दिया है। तो आखिर ये संख्या क्या हो सकती है? तो जब भी इस कंडीशन का समीकरण बन जाता है तो इसमें बिल्कुल सिंपल है, एक बार जोड़कर एक बार घटाकर दो से भाग दे दीजिए। बड़ी संख्या हो सकती है तो एक बार दोनों को जोड़ दीजिए, 28 और 12 कितना होगा? तो 42 होगा। अब 28 और 12 कितना होगा? 40 होगा। और 40 में अगर दो का भाग देंगे तो एक संख्या मिल जाएगा 20। अब दूसरी संख्या अगर निकालना चाहते हैं तो 28 में से 12 कम कर दीजिए, तो 28 में से जब 12 कम कर देंगे तो मिलेगा 16। और 16 जब मिलेगा, इसमें दो से जब भाग दे देंगे तो ये छोटी संख्या आ जाएगी 8। अब क्वेश्चन में ये कह रहा है कि बड़ी संख्या को के चार गुने को, बड़ी संख्या जो है ये इतना है, इसको चार गुना कर दीजिए तो कितना हो जाएगा? 80। में छोटी संख्या से भाग दे दीजिए, 8 से भाग दे देंगे तो कितना आंसर आएगा? तो आंसर जो आएगा 10, इसका चौथा विकल्प सही है। इसी के साथ मेरा ये क्लास आज का समाप्त होता है। अगर आप लोगों को ये क्लास समझ में आया होगा तो हम समझ सकते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और सब्सक्राइब और कमेंट करने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।